हाय एवरीवन। सो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी वीडियो जो आप लोग बार बार बोल रहे थे कि सर आप एक वीडियो फॉर्मेट में हमें बताइए, हमें समझाइए, जिससे हमारे लिए आपकी मेक ई सर्विस ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाए या हम लोगों को समझना उसके बारे में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। तो मैं ये सर्विस लेकर आ गया हूँ, मैं ये वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो ज़्यादा देरी नहीं करते, 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट के अंदर मैं आपको सब समझा दूंगा एंड वहाँ पर आपको अगर इंटरेस्टेड हो गए तो आप हमें बता सकते हैं। ओके, सबसे पहली चीज, वी हैव स्टार्टेड व्हाट यू रियली नीड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो भी नए ट्रेडर्स होते हैं या जो भी बहुत पुराने मार्केट के अंदर होते हैं, वो लोग जब भी ट्रेड लेते हैं वो लोग खुद ही लॉस बुक कर लेते हैं। मतलब लोगों को पता नहीं होता कि परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट टारगेट, परफेक्ट स्टॉप लॉस क्या करना है, क्या पुट करना है और किस बेसिस पर हमें ट्रेड करना है। ठीक है, सो उन लोगों के लिए मैं ये एक सर्विस लेकर आया हूँ जहाँ पर मैं उन लोगों को बताऊंगा कि आपको क्या बाय करना है, किस लेवल पे बाय करना है और किस लिए बाय कर रहे हो आप ये पर्टिकुलर स्टॉक। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी कि आपकी नॉलेज भी इंक्रीज हो, प्लस आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बनो एंड वहाँ पर आपकी ग्रोथ मार्केट के अंदर इंक्रीज हो एंड आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं जब भी ट्रेड ले रहा हूँ कि मैं लॉसेज ही बुक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए हम लोग ये एक सर्विस ज्वाइन करवा के लेकर आए हैं। अब बात करते हैं कि मैं प्रोवाइड कर रहा। सबसे पहले आप देख सकते हैं लाइव मार्केट ट्रेड सेटअप्स विद गिवन एंट्री टारगेट एंड स्टॉप लॉस। यस, हम लोग लाइव मार्केट पे ट्रेड सेटअप्स प्रोवाइड करवाएंगे। लाइव मार्केट क्या हुई, 9:15 से लेके 3:30 के बीच में। अब कोई भी टाइमिंग परफेक्ट नहीं है कि अगर आप हमसे पूछेंगे कि सर आप कौन से टाइम पे हमें कॉल प्रोवाइड करवाओगे या हमें ट्रेड प्रोवाइड करवाओगे, तो देखिए कोई भी टाइम परफेक्ट नहीं है। हम लोग चार्ट पे पैटर्न्स बना लेते हैं एंड उसी के साथ अलर्ट्स लगा लेते हैं। जब भी हमारे पास नोटिफिकेशन आता है कि ये स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है या ब्रेकडाउन दे रहा है या ये इंडिकेटर का ब्रेकआउट दे रहा है, तो हम आप लोगों को उस टाइम सेटअप प्रोवाइड करवाते हैं। सो कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, वो 10 बजे भी आ सकता है आपके पास ट्रेड, 11 बजे भी आ सकता है, 2 बजे भी आ सकता है। ठीक है, उसके साथ जब भी आपको ट्रेड मिलेगा तो आपको एंट्री पॉइंट भी मिलेगा, कब बाय करना है, क्या टारगेट होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा, और हम आपको रेगुलरली उसमें अपडेट करते रहेंगे कि फॉर एग्जांपल 100 का स्टॉक दिया, 110 का टारगेट है एंड 95 का स्टॉप लॉस है। सो अगर वो 108 चल रहा होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जो सेफ ट्रेडर है वो 108 पे एग्जिट कर सकते हैं। ये आपको रेगुलरली अपडेट प्रोवाइडेड होते रहेंगे। अब हम लोग प्रोवाइड क्या करवाएंगे वो इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस और डाउट्स आ रहे थे वो इसी रिलेटेड आ रहे थे। ओके, फर्स्ट है 1-2 इंट्राडे सेटअप्स। 1-2 इंट्राडे सेटअप्स मतलब हम लोग कोशिश करेंगे कि डेली में आपको 1-2 इंट्राडे सेटअप्स प्रोवाइड करवाने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए कोई कंफर्म चीज नहीं है कि मैं आपको रेगुलर बेसिस में इंट्राडे सेटअप्स प्रोवाइड करवाए। जब भी हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा, देखिए मैं आप लोगों को यूट्यूब पे 5 स्टॉक्स देता हूं। क्यों देता हूं मैं आप लोगों को बहुत सारे, मैं आपको 10-15 स्टॉक्स दे सकता हूं, मेरे पास तो वॉच लिस्ट के अंदर बहुत स्टॉक्स है, बट मैं 5 क्यों देता हूं कि अगर कल मैं मार्केट में जाऊं तो मैं उन्हीं पे फोकस करूं। सेम गोज विद, अगर मैं जब भी कल पर्सनली ट्रेड लेता हूं या मैं अपने क्लाइंट्स को ट्रेड लेता हूं तो मैं 15 स्टॉक्स रखता हूं जिसके बेसिस पर मैं कल ट्रेड करूंगा। अगर वो मेरे लेवल्स पे आते हैं तो उसी के साथ मैं आप लोगों को इंट्राडे लाइव्स प्रोवाइड करवाता हूं। ठीक है, सो इट्स नॉट श्योर कि आप लोगों को रेगुलर मिलेंगे, रेगुलर भी मिल सकते हैं अगर हमारे पास रेगुलर अलर्ट्स आते रहे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अब जो सेकेंड इंपॉर्टेंट डाउट आ रहा था वो आपको मैं बता देता हूं। फर्स्ट है 10-12 लाइव स्विंग ट्रेड सेटअप्स। 10-12 लाइव स्विंग ट्रेड सेटअप्स, ये नहीं है कि आपको डेली बेसिस में 10-15 स्विंग ट्रेडिंग सेटअप्स मिलेंगे, ये पूरे महीने, आप पूरे महीने की सर्विस ले रहे हो ना, तो पूरे महीने में आपको 10-15 स्विंग ट्रेड सेटअप्स मिलेंगे। 10-15 तो मैं मिनिमम कह रहा हूं, आपको हर दिन भी मैं प्रोवाइड करवा सकता हूं। ठीक है, अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड हो। ओके, 10 ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स सेटअप, उसके आगे आप देख सकते हैं कि मैंने मंथली लिख रखा है। मंथली का मतलब क्या होगा, पूरे मंथ में आपको 10 ऑप्शन और फ्यूचर के सेटअप्स प्रोवाइड होंगे और उन सेटअप्स के अंदर इंक्लूड होगा निफ्टी बैंक निफ्टी के सेटअप्स भी। यानी कि ऑप्शंस के अंदर हम आप लोगों को स्टॉक्स के भी ऑप्शंस देंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी के भी ऑप्शंस प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शंस भी प्रोवाइड होगा, यहां पर आपको स्विंग ट्रेडिंग भी प्रोवाइड होगा, यहां पर आपको BTST भी प्रोवाइड होगा और यहां पर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग भी प्रोवाइड होगा। BTST बात करें तो बाय टुडे सेल टुमारो, यानी कि आज खरीदा कल मार्केट में अगर गैप अप ओपनिंग होती है स्टॉक पे तो हम लोग एग्जिट कर लेते हैं। ओके, सो ये सेटअप्स, ये सारी चीजें प्रोवाइड होंगी। अब आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए कि सर ये बता दीजिए, ये बता दीजिए, और हम आगे अभी कंटिन्यू करते हैं, डोंट वरी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो इस पर्टिकुलर नंबर पे
एंड आप हमें टेलीग्राम भी कर सकते हो, टेलीग्राम पे सिर्फ वो आपके डाउट्स क्लियर करेंगे अगर कोई आता है तो। मुझे नहीं लगता अब इस वीडियो के बाद कोई आएगा, बट कोई भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको व्हाट्सएप ही करना होगा। ओके, इंपॉर्टेंट चीज गाइस, लिमिटेड सीट्स ही होती हैं यहाँ पे हमारे इस पर्टिकुलर सर्विस पे, क्योंकि पिछली सर्विस जो हम लोगों ने अप्रैल में ली थी वहां पर भी अगर मैं टाइम देता हूँ आपको 2 हफ्ते का कि आप 2 हफ्ते के अंदर अंदर पेमेंट कर सकते हो, तो वहां पर भी लिमिटेड सीट्स होती है। क्या होता है, लोग आखिरी में पेमेंट करने के बारे में सोचते हैं और वो सीट्स ऑलरेडी फुल हो जाती है और वो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। अभी जो ये मई की सर्विस निकाली है, जो अप्रैल में ज्वाइन नहीं कर पाए थे वो अब ज्वाइन कर चुके हैं और अभी भी सिर्फ 30 सीट्स आर लेफ्ट। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो हरी अप, को ये मत सोचना कि मैं लास्ट डेट को ही आप लोगों को ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा, या फिर अगर ऐसा हो सकता है कि सीट ही ना मिले आपको और आप फिर से रह जाए, ठीक है। लास्ट डे की बात करें तो 1st of May सैटरडे को लास्ट डेट है, उससे बाद आप लोग ज्वाइन नहीं कर सकते मे की सीरीज के लिए, और मंडे 3rd May को हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी सीरीज को, ठीक है। हमारे अपने ट्रेड सेटअप्स को स्टार्ट करेंगे मंडे 3rd of May से। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अब बात करते हैं हमारे कौन से प्लान्स हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं देर आर 3 प्लान्स एंड हियर मी आउट, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग प्लान्स हैं। फर्स्ट प्लान है मंथली प्लान। मंथली प्लान है 2000 रुपीज का। ये 2000 रुपीज का जो मंथली प्लान है उसमें क्या होगा कि आपको 2000 रुपीज हमें अपफ्रंट पे करना है, उसके बाद पूरा महीना हम आप लोगों को ये सारी सर्विसेज, ये सारी की सारी सर्विसेज जो है, ये सारी की सारी सर्विसेज हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे 2000 रुपीज मंथली में, ठीक है। इसके बाद प्लान टू जो आता है वो आता है क्वार्टरली चार्जेस का, जो कि 5000 रुपीज है। मतलब अगर आप प्लान टू चूज करते हैं तो यानी कि आप हमारे साथ 3 महीने के लिए जुड़े हुए हैं। प्लान वन क्या है, आप हमारे साथ सिर्फ 1 महीने के लिए जुड़े हुए हैं। प्लान टू क्या है, आप हमारे साथ 3 महीने के लिए जुड़े हुए हैं। 3 महीने में भी हम आप लोगों को सेम चीज प्रोवाइड कराएंगे जो हम यहां पर आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। प्रोवाइड हम आप लोगों को सेम करवाएंगे, बट आप देख सकते हैं अगर आप मंथली प्लान ले रहे हैं तो वो 2000 रुपीज का है, अगर आप 2 महीने का लेते हैं वो 4000 का, 3 महीने का लेते हैं वो 6000 का, बट 6000 वाली चीज हम आप लोगों को 5000 में प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। और मैं जनरली आपको बोलूंगा अगर आप इन दोनों में से प्लान सेलेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो यू हैव टू गो विद क्वार्टरली प्लान। क्यों, उसका रीजन भी है। देखिए, 1 महीने में आप किसी के ऊपर किसी के लिए डिसीजन लेना स्टार्ट नहीं कर देते, उसे जज करना स्टार्ट नहीं कर सकते 1 महीने के अंदर। तो इसीलिए मैंने 2 महीने का नहीं, मैंने क्वार्टरली प्लान एक निकाला हुआ है जिसके बेसिस पे आप लोग मेरी ट्रेड सेटअप से वाखिर हो जाए कि अब मैं किस तरीके से प्रोवाइड करा रहा हूं, आपका ना एक बेस सेटअप हो जाए, क्योंकि 15 दिन तो बेस सेटअप करने में लग जाते हैं अगर आप किसी भी नए बंदे की कॉल्स को लेना पसंद करते हो या उस पर ट्रेड करना स्टार्ट करते हो, ये जनरली एक फैक्ट है। तो उसके लिए मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हो क्वार्टरली प्लान लो, 3 महीने यानी कि 90 दिन आपको प्रोवाइड होगा एंड उस पर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है, ठीक है। इस पे जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये दोनों प्लान में, चाहे आप क्वार्टरली ले चाहे 2 महीने का प्लान ले, ये सिर्फ सर्विसेज मंथली वाइज चेंज है। जो प्रोवाइड करवाऊंगा मैं आपको सारे सेटअप्स वो सेम होंगे दोनों के अंदर, ओके। मिनिमम कैपिटल जो रिक्वायर्ड है दोनों प्लान की वो है 50,000 की। मिनिमम 50,000 आपके पास होना चाहिए गाइस। अगर मैं आपको कोई स्विंग ट्रेडिंग देता हूं, मैं आपको इंट्राडे देता हूं, मैं आपको ऑप्शंस देता हूं, अगर 50K से कम आपकी कैपिटल होगी तो आप लोग ट्रेड नहीं कर पाओगे और आप लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। कोशिश करिए कि 50,000 से ऊपर की आपकी कैपिटल हो कि मैं जो भी ट्रेड्स आपको दूं आप उसके बेसिस पे ट्रेड ले पाओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? ठीक है, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज और है। क्या होता है कि आप लोगों को अगर मैं दिन में 3 ट्रेड दे रहा हूं तो आप लोग एक ही ट्रेड लेते हो, ठीक है। वो गलती कभी नहीं करनी, मैं जो जो ट्रेड सेटअप्स प्रोवाइड करवाऊंगा वो ट्रेड सेटअप्स आपको प्रोवाइड कराने। कोई भी 1 मिनट का डाउट आया हमें तुरंत आप टेलीग्राम पे मैसेज करिए, हम लोग लाइव होते हैं जब भी आप लोगों को हम सेटअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, हम आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे उसी समय, ठीक है। अब आते हैं प्लान 3 जो कि बहुत इंटरेस्टिंग प्लान है एंड इसको बहुत जरूरी सुनना आप लोग, ठीक है। प्लान 3 क्या है, फॉर दिस यू मस्ट हैव मिनिमम कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज। आपके पास 10 लाख रुपए की मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए गाइस। इस पे मिनिमम कैपिटल क्या थी, 50,000, बट प्लान 3 के अंदर मिनिमम 10 लाख की कैपिटल होनी चाहिए, मिनिमम 10 लाख और अबव 10 लाख, ठीक है। इसके अंदर जो भी हम लोग फीस आपसे चार्ज करेंगे वो चार्ज करेंगे 15,000 रुपीज फॉर ईयर। 15,000 रुपये हम आपसे सालाना चार्ज करेंगे फॉर एवरी ईयर एंड आफ्टर रिकवरिंग योर फी। जैसे हम आपकी फी को रिकवर करते हैं
मतलब सुनिएगा, जैसे हम आपकी फी को रिकवर करते हैं, मतलब विद इन अ वीक और टू हम आपकी फी को रिकवर कर देंगे, एंड उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो होगा प्रॉफिट शेयरिंग परसेंटेज रेशियो के अंदर, ठीक है, यानी कि 80-20, मतलब जो भी मैं आप लोगों को ट्रेड सेटअप प्रोवाइड करवाऊंगा उसमें से जो भी हम लोग प्रॉफिट टर्न करेंगे 80% आपका प्रॉफिट होगा, 20% मेरा प्रॉफिट होगा आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द ब्रोकरेज। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? मिनिमम कैपिटल 10 लाख रुपीज है, चार्ज जो हम आपसे लेंगे 15,000 रुपए लेंगे एवरी ईयर। अगर आप देखिएगा मैं आपसे 2 महीने 2,000 रुपए महीना ले रहा हूं, यू कैन अंडरस्टैंड दैट, मैं आपसे 2,000 रुपए महीना ले रहा हूं, अगर आप उसको इंटू 12 करेंगे तो मैं आपसे 24,000 एवरी ईयर ले रहा हूं, बट यहां पर मैं आपसे 15,000 एवरी ईयर ले रहा हूं, मतलब मैं 9,000 रुपए कम ले रहा हूं आप लोगों से। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। यहां पर क्या होगा, विद इन अ वीक और टू हम आपके 15,000 रिकवर करवा देंगे, विद इन अ वीक ही हो जाते हैं रिकवर, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्लाइंट को करवाया था वो भी विद इन अ वीक और टू रिकवर हो गए थे, ओके। आफ्टर दैट उसमें से 80% जो भी प्रॉफिट होगा वो फीस को डिडक्ट करने के बाद जो भी हमारा प्रॉफिट होगा वो होगा 80 और 20% का, जो कि हम लोग एवरी मंथली बेसिस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने देखा मंथ में कैलकुलेट करा कि आफ्टर डिडक्टिंग योर 15,000 फीस, आफ्टर डिडक्टिंग योर ब्रोकरेज, आपकी जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए में से 80,000 आपके होंगे, 20,000 रुपए आप हमारे होंगे जो आप हमें ट्रांसफर कर देंगे मंथ ऑफ एवरी, जो आपको पूरा का पूरा, डोंट वरी, आपको पूरा का पूरा सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइडेड होगा किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। यहां पर ओनली की ओनली 5 सीट्स अवेलेबल होती है, हर महीने हम लोग सिर्फ 5 सीट्स लेकर आते हैं और 5 सीट्स अवेलेबल होती हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं। देखिए यहां पे जो भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा ये मेनली होगा ऑप्शन स्ट्रैटेजी हेजिंग्स का, पूरी ऑप्शन हेजिंग्स होगी, मेनली फ्यूचर्स होगा, मेनली आप लोगों को इंट्राडे सेटअप्स बहुत कम होंगे, बट आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि अगर आपके पास 10 लाख रुपए कैपिटल है आप बहुत इजीली अर्न कर पाओगे इस बेसिस पे, ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि सर आप 20% क्यों ले रहे हो, ठीक है। ये बात इसलिए आती है क्योंकि यहां पर मैं बहुत ज्यादा मेहनत, एक्स्ट्रा मेहनत मेरी होने वाली है, बिकॉज अगर मुझे 20% चाहिए और मैं मान के चल रहा हूं कि 20% मुझे चाहिए, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं मैं उसी तरीके से स्टॉक्स को या ट्रेड्स को फाइंड करने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में मैं इसे बाय कर रहा हूं और एक्चुअल में मैं इसे बाय करता हूं। ये जो प्लान 3 है, इस प्लान 3 में मैं जो भी सर्विसेज देता हूं वो मैं खुद भी बाय करता हूं, ठीक है। तो यहां पर आप देखिएगा कि ये यहां पर अगर मैं आप लोगों से 20% ले रहा हूं तो, या अगर आपको 80% दे रहा हूं, मैं आपको कोई भी ट्रेड सेटअप दे रहा हूं तो वो मैं यही सोच के दे रहा हूं कि यार इसमें से मेरे को फायदा होना है, अगर मेरे को फायदा होना है तो मैं ऐसी ही कॉल्स प्रोवाइड कराऊंगा जो इवेंचुअली आपको प्रॉफिट देकर जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। सो आई होप आपके यहां पर सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर अगर हम प्लान 1 और 2 लेते हैं तो हमें मिनिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है। देखिए सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा प्लान 3 की, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा प्लान 3 की। प्लान 3 के अंदर मैं मान के चलता हूं बेसिकली कि हम लोग 8 to 12%, व्हाट आई एम सेइंग, 8 to 12% ऑफ योर कैपिटल एवरी मंथ हम लोग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभार 6 भी हो जाता है, क्योंकि प्रीवियसली जब मैं प्रोवाइड करा रहा था तो पिछली बार 6 भी निकला था, ठीक है। तो मिनिमम मान के चले थे 6 to 12% के आसपास मैं आप लोगों को एवरी मंथ आपकी कैपिटल का अर्न करके देता हूं, ठीक है। यहां पर मैं परसेंटेज वाइज जा रहा हूं। अब बात करते हैं ऊपर, ऊपर हम आप लोगों को ज्यादातर इंट्राडे सेटअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, तो यहां पर आप लोग बेसिकली इंट्राडे और ऑप्शंस होते हैं, तो बेसिकली यहां पर आप लोग अपनी कैपिटल का फॉर एग्जांपल 10 to 12 या 13-15% तक भी अर्न कर लेते हैं, ठीक है। जिस तरीके से मैंने एवरेज देखा है 8% to 15% इस रेंज के अंदर आप लोग अपना प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, विच इज वेल इनफ, क्योंकि हमें परसेंटेज वाइज जाना है। महीने भर में अगर हम 15% या 10% भी अर्न कर रहे हैं दैट इज वेल इनफ। आप बैंक में FD करवा लेते 5% मिलता है, 5.5% तो इन्फ्लेशन है जो आपका खा लेता है, तो बैंक आपको -5% नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, उसके बदले आप मार्केट में इन्वेस्ट करिए गाइस, ठीक है। सो आई होप मैंने आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर कर दे होंगे। अब बात आते हैं इस पे। सो अगर आप लोग रेडी है, अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, ठीक है, सो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के अंदर, एंड आपको मैसेज क्या करना है, आई एम रेडी फॉर योर सब्सक्रिप्शन, आई एम रेडी फॉर योर सब्सक्रिप्शन, आई चूज दिस प्लान 1, 2 और 3, आपका डिपेंड करता है आपको कौन सा प्लान सेलेक्ट करना है, 1, 2 और 3,
ठीक है, मैं आपको जनरली रिकमेंड करूंगा प्लान टू या प्लान थ्री। अगर प्लान थ्री तभी करेगा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख और अबव हो, ठीक है। आपको सिंपल ये लिखना है, आई डोंट थिंक कि अगर आपके कोई भी डाउट्स होने चाहिए, मैंने सारा डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर कर दिए होंगे, बट अगर आपके कोई भी अब डाउट आता है जो आपको लगता है कि एक्चुअल में ये डाउट है, तो हमें आप सिर्फ और सिर्फ आप हमें टेलीग्राम करिए, ठीक है, व्हाट्सएप मत करिएगा, हमें टेलीग्राम करिएगा। और टेलीग्राम का यहाँ पर आपको लिंक दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम @शिवाजभसीन आपको करना है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। व्हाट्सएप पे जिन लोगों ने पहले भी क्वेरीज पूछ चुके हैं, जो बहुत पहले अभी भी क्वेरीज पूछ चुके हैं, अगर वो ये वीडियो से भी सेटिस्फाई है, तो सिर्फ आपको अभी टाइप करना है येस आई एम रेडी फॉर सब्सक्रिप्शन प्लान वन और प्लान थ्रू। मैं आपको सारे का सारा इन्फॉर्मेशन और डाटा प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसके बेसिस पे अप फ्रंट पेमेंट कर सकते हैं, और आप लोगों को ऐड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे, क्योंकि सारी कॉल्स टेलीग्राम पे ही प्रोवाइडेड होंगी, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है, आपको जो नंबर है ये वाला नंबर, ये आपको नंबर सेव करके रखना होगा हमारा, तभी आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होंगे। सो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। यहां पर मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने व्हाट्सएप या अपने टेलीग्राम चैनल पे। सो तब तक के लिए बाय बाय।